फंक्शन चैप्टर जेई पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा डिटेल में भी है, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है फंक्शन, उसमें हम लोग को हर एक चीज अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लास्ट ईयर अभी ये कोविड के पीरियड में फंक्शन चैप्टर को डिलीट किया गया था 2020 और 2021 बैचेस पे, बट अभी करेंटली आप लोग 11th में हो तो अभी तक ऐसा कोई डिक्लेरेशन आया नहीं है, तो वो भी मैं सर से डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करना है, फंक्शन पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, बट सेट्स एंड रिलेशंस तो करना ही करना है हमें क्या भी करके। नाउ सेट्स जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं आईसीएसई बोर्ड होने दो या सीबीएसई बोर्ड होने दो या स्टेट बोर्ड होने दो, हम लोग ने उसको 9th स्टैंडर्ड में किया था, थोड़ा बहुत हम लोग को पता भी है कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जिसका दूसरा नाम है लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। कहीं ना कहीं हम लोग को ये भी पता है कि सेट्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में फेस करते हैं, जिसने मैथ्स का कोई ओलंपियाड दिया रहेगा या मैट का एग्जाम दिया रहेगा उसको भी थोड़ा बहुत ये सब सिंपल टॉपिक्स तो आते ही रहेंगे अच्छे से, ठीक है। बट आज 11th में जो हम लोग सेट्स पढ़ेंगे वो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ए टू जेड पूरा स्टार्टिंग से करेंगे कि सेट्स का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, क्या क्या टाइप्स के सेट्स होते हैं, उसके बाद कैसे सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम से कैसे हम लोग फाइंड करते हैं सेट्स के वैल्यूज को, ठीक है। तो ये सब ए टू जेड हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट्स, तो मैं थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगा चैप्टर को और आपको हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोग को लगता है सेट्स भाई है बहुत ईजी, सेट्स एंड रिलेशन दोनों चैप्टर बहुत सिंपल है, बट हम लोग जितना डिटेल में लेके जाएंगे इसको उतना अच्छा रहेगा। और आज के लेक्चर में तो कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट लर्निंग ही करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर से आपको इसका एमसीक्यूज भी मिलेगा। प्रोबेबली मैंने आपको 26 एमसीक्यूज दिए थे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 के, सबने सॉल्व किए हो, सबको आया? यस सर। मेरा हेल्थ ठीक नहीं था बीच में, दो चार दिन तबियत ठीक नहीं था, अभी भी मैं मतलब हॉस्पिटल ही था, तो मेरे इसलिए बीच में 3-4 दिन लेक्चर नहीं ले पाया, तो इसलिए कंटिन्यूशन टूट गया हमारा। बट जो 26 क्वेश्चंस मैंने दिए थे दोज आर ऑल सीईटी क्वेश्चंस, आई होप कि मैंने वो सब टॉपिक कवर किया आपके और आपको सॉल्व करने आया है उसको, आया सबको सॉल्व करने वो एवरीवन? यस सर। आपको आंसर की मिला था उसका, चेक किया आपने आंसर आपके? नहीं सर, आंसर की नहीं मिला। तो मैं आज उसका आंसर की सेंड कर देता हूं, आप उसका आंसर की का अपना आंसर चेक कर लेना, ठीक है। आफ्टर द लेक्चर आपको आंसर भी सेंड कर दूंगा, 26 क्वेश्चंस मेरे पास थे उसके, फिर आपको उसके साथ ही आपको अपना आंसर भी चेक कर लेना है और जो रॉन्ग हो उसको फिर से ट्राई कर लेना, और फिर भी नहीं आया तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछना, ठीक है। तो गाइस भले ही चैप्टर का नाम सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस है, आज के लेक्चर में मैं सिर्फ इसको सेट्स लिखूंगा। सेट्स के बारे में बात कर रहे थे, होता क्या है सेट, ठीक है। तो जब हम लोग टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को कलेक्ट करके रखने को उसको हम बोलते हैं सेट, ठीक है, टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज में। बट अगर प्रॉपर लैंग्वेज में बात करें सो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऐसा कलेक्शन जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टीम बनाया, उस टीम में मैं एक ही प्लेयर को दो बार काउंट नहीं कर सकता। अगर समझो मेरे को इंडिया एक ही टीम बनाना है तो वी हैव टू कीप 11 यूनिक प्लेयर्स, ऐसा नहीं कि मैंने पहले इसको ले लिया फिर बाद में वापस इसको ले लिया। तो वेल डिफाइंड क्या होता है, जिसको मैं दूसरे सामने वाले को इंट्रोड्यूस कर सकूं कि ये मेरा प्लेयर 1 है, ये मेरा प्लेयर 2 है, ये मेरा प्लेयर 11th प्लेयर है, ठीक है। सो वेल डिफाइंड मतलब जिससे आप सामने वाले को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिससे आप सामने वाले को समझा सकते हो, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, वेल डिफाइंड क्या होता है कि आपने अगर उसको स्टेटमेंट में बोला तो सामने वाले को समझ जाना चाहिए हाँ क्या इसके अंदर ये मटेरियल्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो हम लोग 11th का टेक्स्ट बुक लेने जाते हैं तो हम लोग को पीसीएमबी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का टेक्स्ट बुक मिल जाएगा, ओवरऑल 8 टेक्स्ट बुक मिलेगा, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि पार्ट 1 का 2 टेक्स्ट बुक हो जाए। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ ऑल ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हम लोग जब एक सेट बनाते हैं तो सेट के अंदर सब यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, याद रखना ऑल द एलिमेंट्स आर यूनिक, कोई चीज रिपीटेशन नहीं होता। और सेकेंड वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है, वेल डिफाइंड मतलब जिसको मैं इंट्रोड्यूस कर सकूं, समझ में आया? इसको डिफाइंड मतलब क्या, जिसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो उसको डिफाइंड बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। जिस चीज को आप सामने वाले को समझा सकते हो, सामने वाले को बता सकते हो, दिखा सकते हो, उसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। सो अगर मैं यहाँ पे सेट्स का एग्जाम्पल लू, तो सेट का एग्जाम्पल क्या रहेगा, सेट का डेफिनेशन लू पहले, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड
अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट, ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो अगर मैंने सेट का नाम ए ले लिया, क्या आएगा इसके अंदर, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट में क्या आएगा, A, E, I, O, U. तो अगर आप अगर अच्छे से देखते हो इसको, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, A, E, I, O, U. अगर जिसने भी थोड़ा बहुत इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है या किसी एक नॉन पर्सन को हम लोग पूछते हैं कि बताओ वॉवेल्स क्या है, तो वो सब लोग यही बोलेंगे ना, A, E, I, O, U. तो ये वेल डिफाइंड है क्योंकि सबका आंसर सेम आएगा, तो इसको बोलते हम लोग इट इज अ सेट, ये आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, सेट ऑफ योर फेवरेट टीचर्स इन इन एनी क्लास और इन योर स्कूल, बेटर कि स्कूल ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल फेवरेट टीचर्स इन योर स्कूल, ठीक है। सो अभी बताओ हर एक का आंसर सेम होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं, किसी को साइंस का टीचर पसंद है, किसी को इंग्लिश का पसंद होगा, आई होप कि हर एक का यूनिक चॉइस है, राइट। तो वो सेट नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एक का आंसर जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। अच्छा, और तीसरा एग्जांपल ले लो, सेट ऑफ ऑल स्कॉलर स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो हमारा एक मेंटेलिटी क्या था कि हम लोग जब पहले समझते थे कि स्कॉलर मतलब जो फर्स्ट सेकंड रैंक आता है, दैट इज नॉट स्कॉलर, फर्स्ट सेकंड रैंक स्कॉलर तो होते हैं नो डाउट, बट स्कॉलर इन वॉट कॉन्टेंट डिपेंड करता है, पढ़ने का स्कॉलर है कि कुछ और है, चैंपियन प्लेयर है कि और कोई और कोई, इसको हम लोग क्वालिटीज में स्कॉलर बात कर रहे हैं, समझ में आया। तो फिर से अगर मैं बोलता हूँ कि सेट ऑफ ऑल स्कॉलर स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो पहला हाथ तो मैं ही उठा दूंगा कि भाई मैं ही सबसे बड़ा स्कॉलर हूँ, सामने वाला अपने आप को डिमोटिवेट ना करेगा। तो फिर से ये वाला भी एग्जांपल जो है वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब ऐसे सेंटेंस ऐसे सेट्स जिसमें सबका आंसर अलग अलग आ रहा है वो वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। सेट ऑफ योर फेवरेट प्लेयर्स इन इंडियन टीम ऑब्वियसली वेल डिफाइंड नहीं है, सेट ऑफ योर फेवरेट प्लेयर इन इंडियन टीम वेल डिफाइंड नहीं है, समझ में आया। तो ऑब्वियसली ये सब चीज वेल डिफाइंड मतलब क्या, जिसमें सबका आंसर सेम है उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड, जिसमें सबका आंसर सेम आएगा उसको वेल डिफाइंड बोलते हैं, जिसका आंसर सेम नहीं रहेगा वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को कभी भी याद रखना है कि ये फॉलोइंग सेट है कि नहीं है, अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेट लिख दिया तो अभी ऑब्वियसली सेट तो होगा ही, बट अगर मैं बोलूँ कि द लिस्ट ऑफ ऑल फेवरेट प्लेयर्स इन योर इंडियन टीम, नेम द फेवरेट, तो ऑब्वियसली ये जो लिस्ट होगा वो ऑब्वियसली वेल डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि इसमें सबका आंसर अलग अलग आएगा, एंड देयरफॉर वी से दैट इट इज नॉट अ सेट। तो आपको सेट्स और नॉट अ सेट में एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जब आंसर सब में सेम आए, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट सबका ए ई आई ओ यू आएगा, हाँ, सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक संडे से लेकर मंडे तक पूरा आने वाला है, तो ये सबका आंसर सेम आएगा तो वेल डिफाइंड रहेगा तो उसको बोलेंगे सेट, वेल डिफाइंड नहीं रहेगा तो इट इज नॉट अ सेट, ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं रहेगा तो इट इज नॉट अ सेट। तो लोग समझ में आया थोड़ा बहुत सेट का डेफिनेशन, एवरीवन थोड़ा बहुत समझा, यस क्लियर है। तो जिसमें हर एक का आंसर यूनिक रहेगा सेम रहेगा तो उसको बोलेंगे सेट, और जिसमें अगर हर एक को अपना अपना चॉइस दे दिया बताओ तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन है, तो बहुत जन बोलेंगे सर मेरा पीटी सर बहुत फेवरेट है, तो ऑब्वियसली वो भी डिपेंड करता है जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है या जो स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो हर एक का अपना अपना चॉइस है, तो ऑब्वियसली जहां पे चॉइसेस आ जाते हैं वो सेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग सेट में कभी चॉइस नहीं कर सकते, डिपेंड ये याद रखना कि सेट में हर एक का आंसर सेम होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लू तो ऑल पहला एग्जांपल तो ये हो गया, दूसरा लिस्ट ऑफ ऑल स्कॉलर्स इन योर क्लास, अब क्योंकि ये सेट ही नहीं है तो आप लिखेंगे क्या, क्लियरली लिखेंगे इट इज नॉट अ सेट, ठीक
अभी ये नॉट अ सेट क्यों है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये नॉट अ सेट इसलिए क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, अब इसको आप रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कोई बोलेगा कि मोनू सबसे ज्यादा होशियार है, कोई बोलेगा सोनू सबसे ज्यादा होशियार है, कोई बोलेगा अरे मेरा फ्रेंड सबसे ज्यादा होशियार है, भले उसको जीरो मार्क मिलता रहे, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी कांट डिफाइन इट एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट, ठीक है। तो ये एग्जांपल से जो ये क्लियर होगा कि वेल डिफाइंड का कितना बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑब्वियसली सेट है, बट अगर वेल डिफाइंड वर्ड मिस हो गया तो आपका डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज को कलेक्ट करने को सेट नहीं बोलते, यूनिक कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। रिमेम्बर दैट। यहाँ पे इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन बताया तो मैंने आपका डेफिनेशन बताया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो हम लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा था, बट एक्चुअल में इसका डेफिनेशन होना चाहिए अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स होता है ना, इस ऑब्जेक्ट्स के बहुत सारे नाम है, इस ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग ए ई आई ओ यू ऑब्जेक्ट्स, इसको हम लोग एलिमेंट्स ही बोलते हैं, इसको हम लोग मेंबर्स ही बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, ऑब्जेक्ट्स बोलो या एलिमेंट्स बोलो या मेंबर्स बोलो, एक चीज और अच्छे से याद रखो कि सेट्स को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल, लाइक प्रोबेबिलिटी में कैसे हम लोग इवेंट्स को, इवेंट्स भी सेट ही होता है, सेट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी एंड सो ऑन, और जिसके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं हमेशा स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे सिंगल सिंगल एलिमेंट्स होते हैं स्मॉल लेटर्स में, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय small letters like small x, small y and so on, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको कि ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्स, आर ऑल्सो नोन एज मेंबर्स, ठीक है। सेट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स like capital A, capital B and so on, and the elements of a set are represented by small letters like x, y and so on, ठीक है। अच्छे से याद रखना, and जितने भी elements होते हैं, वो हमेशा उस set को belong करते हैं। अगर मैं बोलूं कि if x is an element, if x is an element of set A, if x is an element of set A, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, x belongs to A, प्लीज ये समझ लेना, अच्छे से belongs to बोलते हैं, x belongs to A, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, ये देखो इसको जो साइन है इसको हम बोलते हैं belongs to, इस साइन को क्या बोलते हैं हम लोग, belongs to, और एक वाला जो साइन है अगर कट करेगा इसको बोलेंगे does not belong to, ठीक है। ये अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो अगर x आपके सेट A के अंदर लाई करता है, जैसे अभी A लाई करता है तो A belongs to capital A, E belongs to capital A, I belongs to capital A, O belongs to capital A, U belongs to capital A, बट अगर मैं बोलूं कि बताओ G, तो G does not belongs to capital A, G इस तरह का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो आपका अगर एलिमेंट, अगर एक्स सेट ए का एलिमेंट है तो वी से दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए,
दूसरा इफ एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर एक्स एलिमेंट नहीं है सेट ए का, इफ एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, हम लोग बोलते हैं इसको एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इट. यहाँ पे जो पहला साइन है क्या है, बिलोंग्स टू, और दूसरा साइन क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू. बोलो यहाँ तक सब समझ में आया पक्का? जो सेट के अंदर के एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं. अगर एक्स एलिमेंट है सेट ए का तो वी सी दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और अगर एक्स एलिमेंट नहीं है तो वी सी दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए. ठीक है, एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स मेंबर्स दे आर वन इन द सेम. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोग का? इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर्ली सब लोग, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग अच्छे से. क्लियर है आपका एवरीवन? यस सर. ठीक है, यस सर. इसका माइक म्यूट है शायद, अनम्यूट है. ठीक है, सो गाइस आगे मूव करेंगे और आगे पढ़ेंगे हम लोग इंटरवल्स. या इंटरवल्स को बाद में करते हैं, इतना कुछ जरूरत नहीं इंटरवल्स का इतना स्टार्टिंग में करना. वी विल मूव टू द टॉपिक कॉल्ड टाइप्स ऑफ सेट्स. टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ठीक है, तो हम लोग अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स. सेट्स के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स. नाउ टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले आता है हमारा सबसे पहला एम्प्टी सेट, जिसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं. ठीक है, एम्प्टी सेट या नल सेट या और भी नाम है उसका, बहुत जगह पे आपको समझ में नहीं आता. वॉइड सेट, जिसने भी थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया रहेगा उसने देखा रहेगा वॉइड मेन हम लोग यूज करते हैं, जावा में भी एज वेल एज सी प्लस प्लस में भी. जिसने किया रहेगा उसके लिए बोल रहा हूँ मैं. तो वॉइड मतलब खाली, नल सेट मतलब क्या करता है, ये जितने भी डेटा पहले का रहता है उसको काउंट नहीं करता. ठीक है, तो वॉइड सेट. ठीक है, तो याद रखना कि इसके तीन नाम है, वो भी लिखा के दूंगा मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीईटी में या जेईई में लोग हम लोग को क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं वॉइड सेट क्या है. तो वॉइड से समझ में आना चाहिए कि वॉइड सेट जो होता है उसी को हम लोग नल सेट बोलते हैं या उसी को हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं. तो भले ही मैं नाम एम्प्टी लिख रहा हूं बट ब्रैकेट में इसको और लिखूंगा मैं, नल सेट और वॉइड सेट. तो इसका डेफिनेशन किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आता. ठीक है, क्लियरली है. A set which contains no element. एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आता. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इसको रिप्रेजेंट करने का ऑप्शन है ऐसा फाइव. ठीक है, तो A is a null set. उसको करली ब्रैकेट में खाली दिखा दो, कुछ मत रखो. एम्प्टी सेट का सिंबल है यार. हाँ, या तो इसको नल रख दो. ये ब्रैकेट मैंने इधर डाला है, इधर नहीं आया. इसको एक्चुअल में फिजिक्स लैंग्वेज में फाइव बोलते हैं हम लोग, बट ये एम्प्टी सेट का सिंबल है यहाँ पे. ठीक है, याद रखना. तो ए इज अ नल सेट. सर ब्रैकेट के बाहर डालना है ना? क्या बोलो? ब्रैकेट के बाहर डालना है. वापस प्लीज आवाज चला करो. वो सिंबल ब्रैकेट के बाहर डालना है ना? देखो अगर आपको बताना है कि ये नल सेट है तो ऐसा आएगा ए इज इक्वल टू नल सेट ऐसा बस. अगर आप इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखाते ना तो ये सिंगल सेट बन जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा फिर आंसर. ठीक है, कर्ली ब्रैकेट सेट आ जाएगा.
ठीक है, तो इसको दो तरीके से रिपेलिंग कर सकते, या तो खाली सेट और लिखा देगा मैंने बीच में और, या तो ऐसा या तो ऐसा। अगर आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालते हो तो फिर ये सिंगल एलिमेंट हो जाएगा, याद रखना ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं आना चाहिए, फिर ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका, तो ए इज अ नल सेट, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि एक मैंने यहाँ पे सेट ले लिया, ए इज अ सेट ठीक है ऑफ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स जो है वो वन से बड़ा और टू से छोटा है। नेचुरल नंबर कोई ऐसा बताओ जो वन से बड़ा और टू से छोटा है, ऐसा कोई भी नेचुरल, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि आप एग्जाम्पल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तो थोड़ा बोर भी होगा गाइस क्योंकि एनर्जी लेवल तो कम है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छे सिखाऊँ, चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए आपको। तो ए इज अ सेट वेयर एलिमेंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन वन एंड लेस देन टू। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है एक्स का जो वन से बड़ा और टू से छोटा हो, तो देयरफॉर द फॉलोइंग इज अ नल सेट और एम्प्टी सेट वी कैन से। बोलो समझ में आया सबको अच्छे से? तो एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है, एम्प्टी सेट को दो नाम से बुलाया जाता है, नल सेट से भी और वॉइड सेट से भी। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है और ये इसका एग्जाम्पल है। बोलो क्लियर है सबको? थोड़ा बहुत समझा एम्प्टी सेट एवरीवन? यस सर। अब दूसरा डेफिनेशन है हमारा एम्प्टी सेट के बाद, दूसरा डेफिनेशन आता है सिंगलटन सेट। अब क्या होता है सिंगलटन सेट, थोड़ा इसको समझते हैं अच्छे से कि सिंगलटन सेट क्या होता है। नाम से समझ में आ रहा है सिंगलटन सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट तो अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, अ सेट विच कंटेन्स only one element, a set which contains only one element, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है, अच्छे से याद रखना ये। जैसे कि एग्जाम्पल ले लूं मैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। B is a set where x belongs to natural number and x is ग्रेटर देन जीरो और लेस देन टू। तो आपको पता चल गया बी के अंदर कौन आता है, नेचुरल नंबर बोला ना, इसके अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा कौन सा, वन। बी बिलोंग्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन टू। सो ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन टू में क्या आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा वन, तो क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा है तो क्या बन जाएगा हमारा सिंगलटन सेट। बोलो क्लियर है सबको पक्का? यस यस सर। एम्प्टी सेट और सिंगल सेट दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गए सबको पक्का? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से, सब लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर एक सेकंड सर, लिखना था सर, एक ही सेकंड सर, टाइम जाता लिखने में, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट बनाओ ना, क्या हम लोग के पास एक घंटे का लेक्चर होता है ना, तो आप लिखोगे तो टाइम चला जाएगा। रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज लिखो मत, ठीक है, ये लेक्चर बहुत ज्यादा चला जाता है। हो गया सर लिख के, चलो आगे चलते हैं। अब एम्प्टी सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, अब सिंगलटन सेट की मदद से हम लोग इसको दो चीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो सकता है सेट कैन बी फाइनाइट और दूसरा हो सकता है सेट कैन बी इनफाइनाइट। अब फाइनाइट क्या होता है, जहां पे रुकावट आ जाए उसको बोलेंगे फाइनाइट, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन फाइव, सो वन टू थ्री फोर, ये हो गया आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। बट अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन फोर, तो इस पर कोई रुकावट ही नहीं है, फाइव सिक्स सेवन एट अप टू इन्फिनिटी, तो जहां पे इन्फिनिटी जाएगा उसको हम लोग इन्फिनाइट सेट बोलेंगे, और जहां पे रुक जाएगा बंद हो जाएगा उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। सो नाउ नाउ टाइप्स ऑफ सेट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू फाइनाइट सेट्स और इन्फिनाइट सेट्स। तो एक होगा हमारा फाइनाइट सेट और एक होगा हमारा इन्फिनाइट सेट। हम लोग को अभी फाइनाइट सेट और इन्फिनाइट सेट के बारे में बात करना है, आगे मूव करते हैं, ये जो डेफिनेशन होने के बाद मूव करते हैं फाइनाइट। जहां पे एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, फाइनाइट मतलब काउंटेबल, उसको बोलेंगे हम लोग फाइनाइट सेट, और जहाँ पे एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं रहेंगे उसको बोलेंगे, जिसको हम लोग गिन ही नहीं सकते इनफाइनाइट है, उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो आगे मूव करते हैं हमारा थर्ड डेफिनेशन, और जो थर्ड डेफिनेशन है हमारा वो है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट।
थर्ड डेफिनेशन है फाइनाइट सेट। नाम से समझ में आता है फाइनाइट, लिमिटेड, काउंटेबल, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट। ठीक है, ठीक है। सो अ सेट विच कंटेन्स काउंटेबल एलिमेंट्स, अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूं, जो रुक जाए, जो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। या सबसे इजी डेफिनेशन, अ सेट विच कंटेन्स काउंटेबल एलिमेंट्स। अ सेट विच कंटेन्स काउंटेबल एलिमेंट्स बोलते हैं हम लोग फाइनाइट सेट। ठीक है, और चौथा डेफिनेशन रहेगा इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट में क्या आता है, अ सेट व्हिच कंटेन्स व्हाट, अनकाउंटेबल। परफेक्ट, अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, अ सेट व्हिच इज नॉट फाइनाइट। अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए, वाकई आप कुछ भी लिख सकते हैं। A set which is not finite, simple, देखो बहुत सिंपल लिखा है। देखो हम लोग को ना 11, 12 में डेफिनेशन नहीं पूछे जाते, इतना याद रखना। So we have to learn definition in such a way that we can understand the concept. तो हम लोग को अभी बोलेंगे define finite set, define infinite set, ऐसे questions कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। तो हम लोग को अपने लैंग्वेज में जितना हम लोग उसको नोट्स अच्छे से बना सके उसके हिसाब से बनाना है। इवन जब आप फर्दर स्टैंडर्ड्स में जाओगे, 12th, मास्टर्स, या जब भी कुछ इंजीनियरिंग करोगे, सो आपको ना नोट डिक्टेट करा जाता है। तो आपको उसमें से स्पेशल पॉइंट निकाल के उसको खुद से ब्रीफ करना होता है। तो अगर वो अभी से भी आगे डालोगे तो भी चलेगा। 11, 12 में तो फिलहाल ये सब मैथ्स में तो कभी पूछते नहीं है, डिफाइन एंड ऑल। तो आपको अपने लैंग्वेज में समझना अच्छा, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट, अ सेट व्हिच इज नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं हो क्या है, इनफाइनाइट है। अब अगर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया फिर से, A के अंदर मैंने बोल दिया x, such that x belongs to whole number and x is greater than 0 and less than 5. तो मैंने नेचुरल नंबर का सीरीज हटा के अभी होल नंबर्स का बात कर लिया। तो therefore A के अंदर क्या क्या आएगा, therefore A के अंदर आएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है, होल नंबर था ना। अगर ये नेचुरल नंबर भी होता तो भी वही आता था, तो ये फाइनाइट है। और अगर मैंने इन्फिनाइट में आ जाऊं और इन्फिनाइट में बात करूं कि b इज एन एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1, x 1 से बड़ा है, तो देयरफॉर b के अंदर क्या आएगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1, 2, 3 and so on, ठीक है, हो गया b, तो इनफाइनाइट है ये, डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट सेट होता है। तो आई होप कि दोनों एग्जांपल्स क्लियर हो गया आपको, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, वो क्लियर है? यस सर, ये एक्चुअली पढ़ाने का जरूरत भी नहीं था, बट किसी को नोट्स बनाना होता है इसलिए लिखाना, ठीक है। ये नाम से समझ में आता है कि फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है इसमें कि एम्प्टी सेट को हम लोग हमेशा फाइनाइट सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट ये हमेशा फाइनाइट सेट होगा क्योंकि एम्प्टी सेट को हम लोग काउंट कर पा रहे हैं ना, एक भी नहीं है, कोई भी नहीं है इसके अंदर। रूम के अंदर गया, कितने लोग हैं, एक भी नहीं, तो काउंट हो गया ना। तो एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ फाइनाइट सेट। ऐसा क्वेश्चन है, लोग ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। हम लोग ने लिखा डेफिनेशन में काउंटेबल, तो जीरो भी काउंटेबल ही है, कोई भी नहीं तभी तो हम लोग ने बोला जीरो, ठीक है। व्हेन वी गिव अ नंबर वी से इट इज काउंटेबल। वी हैव टू मेक अ नोट दैट एम्प्टी सेट किस कैटेगरी में आएगा, एम्प्टी सेट हमेशा फाइनाइट की कैटेगरी में आएगा। सो वी हैव टू मेक अ नोट, द वेरी फर्स्ट नोट इज empty set is a finite set, empty set is a finite set, ठीक है। और दूसरा आएगा कि नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स, ऑल दोज नंबर्स आर इनफाइनाइट सेट। तो हम लोग को पता है कि कैपिटल इनको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर से। कैपिटल डब्ल्यू को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
होल नंबर से, क्यू को दूसरी रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल से, क्यू डैश को इरेशनल से, फिर जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया या जो भी हो गया, ठीक है. सो ऑल दिस सेट्स आर व्हाट, दे आर ऑल इनफिनाइट सेट. नंबर सिस्टम में जितने भी सीरीज आते हैं सबके सब इनफिनाइट सेट है. तो एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट एंड ऑल दिस एलिमेंट्स आर इनफिनाइट सेट, याद रखना अच्छे से, ठीक है. तो ज्यादा डेफिनेशन नहीं था इसके अंदर, ये चार डेफिनेशन था. मैं इसके आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल सेट्स क्या होते हैं और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं. तो गाइस दो लोग को इक्वल तभी बोला जाएगा जब दोनों के पास सेम एलिमेंट हो. अगर मैं भी 11th स्टैंडर्ड में हूँ और आप भी 11th स्टैंडर्ड में हैं और हम दोनों गए मार्केट से 11th स्टैंडर्ड साइंस का टेक्स्ट बुक लेने के लिए, तो जो मैं खरीद के लाया हूँ और जो आप खरीद के लाए हो, हम दोनों ने सेम ही चीज खरीदा है अगर एक ही पब्लिकेशन का है, तो मान लो कि वो नवनीत का ही है, तो हम दोनों इक्वल सेट्स कहलाएंगे. बट अगर मैंने नवनीत का लिया है और आपने किसी और पब्लिकेशन का लिया है, मान लो कि चेतना का लिया आपने, मैंने नवनीत का लिया आपने चेतना का लिया है, अभी दोनों का नंबर ऑफ काउंट सेम है, मेरे पास भी पार्ट वन पार्ट टू है, आपके पास भी पार्ट वन पार्ट टू है, मेरे पास भी 8 टेक्स्ट बुक होंगे, आपके पास भी 8 टेक्स्ट बुक होंगे, बट वी आर नॉट इक्वल सेट्स बिकॉज द एलिमेंट्स आर नॉट द सेम एंड सच सेट्स आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट सेट्स. आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स नाउ. सो इक्वल सेट्स में क्या होता है कि आपके एलिमेंट्स सेम होते हैं, जो मेरे पास है वही आपके पास है, अगर शफल भी किया हम दोनों ने तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के पास सेम एलिमेंट्स हैं. बट इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है, एलिमेंट्स भले ही सेम ना हो बट काउंट सेम होना चाहिए. अगर मेरे पास 8 है तो आपके पास भी 8 होना चाहिए. अब आप बोलोगे सर टेक्स्ट बुक तो 8 ही रहेगा, चलो मेरे पास 8 टेक्स्ट बुक है और आपके पास 8 लेटर्स है तो भी हम लोग इक्विवेलेंट सेट्स होंगे. सो इक्विवेलेंट सेट्स में काउंटिंग सेम होता है. जैसे कि अगर मैं किसी भी टीम का बात करूं, जब दो ऑपोजिट टीम्स कोई भी मैच में खेलते हैं सो दे आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है. वो इक्वल सेट्स कभी भी नहीं हो सकता बिकॉज सेम प्लेयर दोनों टीम में नहीं खेल सकते. सो टू टीम्स व्हेन प्ले विद ईच अदर दे ऑलवेज काउंट एज इक्विवेलेंट सेट्स. सो इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर सेम होता है और इक्वल सेट्स में एलिमेंट सेम होता है. तो अपना जो अगला दो डेफिनेशन है वो आता है इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स का. थोड़ा बहुत एग्जांपल समझ में आया सबको इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स का? एवरीवन समझा पक्का? यस सर. यस सर. अपना अगला डेफिनेशन रहेगा इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स. इक्वल सेट्स कंटेन सेम एलिमेंट एंड इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सो आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज इक्वल सेट्स. तो इक्वल सेट्स क्या होगा, दो सेट्स को हम लोग इक्वल तभी बोलेंगे व्हेन दे कंटेन द सेम एलिमेंट. टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट. टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट, दैट इज इफ ए इज अ, दैट इज इफ ए, सबसेट नहीं पड़ेगा मेरा मतलब, तो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा. मान लो कि ए के पास एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी के पास भी ए एलिमेंट है 2, 1, 3. बी शफल किया मैंने फिर, तो ए बी, तो वी कैन से दैट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स. टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट. ए के पास भी 1, 2, 3 है और बी के पास भी 1, 2, 3 है, सो बोथ दिस सेट्स आर कॉल्ड एज इक्वल सेट्स, ठीक है. अगला डेफिनेशन आएगा मेरा इक्विवेलेंट सेट्स. इक्विवेलेंट सेट्स का डिफाइन करता है, दो सेट को इक्विवेलेंट तब बोलेंगे व्हेन दे कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. यहाँ पे हम बोल सकते हैं देखो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब बहुत जरूरी है कि दोनों फाइनाइट सेट होने चाहिए तभी काउंट करेंगे हम लोग. Two finite sets A and B, two finite sets A and B
are said to be equivalent. If they contain same number of elements, two finite set A and B are said to be equivalent if they contain same number of elements. अगर दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वी कैन से दैट कि बोथ आर इक्विवेलेंट. दैट इज इन शॉर्ट वी कैन से दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी. ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं. एग्जांपल देख लो, ए के पास एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी के पास एलिमेंट है 3, 9 and 12. 1, 2, 3, 3, 9 and 12. So therefore, क्या बन जाएगा ये? A is triple dash को लोग equivalent बोलते हैं. Double dash को equal बोलते हैं तो triple dash को लोग equivalent बोलते हैं. ठीक है? याद रखना. वाला simple सा बताया मैंने. Equal sets, दो sets equal होंगे अगर दोनों के पास element same होगा तो. Equivalent sets. दो सेट के पास अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे. तो जितने भी इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं उसमें काउंट सेम होता है और जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं उसमें एलिमेंट सेम होता है. सो मेरा क्वेश्चन है, क्या हम लोग इक्वल सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स बोल सकते हैं? द क्वेश्चन इज, क्या हम लोग इक्वल सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स बोल सकते हैं? नहीं भी हो सकता है. अगर यहाँ पे भी 1, 2, 3 है, यहाँ पे भी 1, 2, 3 है तो इक्वल सेट्स भी और इक्विवेलेंट सेट्स भी है. बट अगर मैं बोलूँ की इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल होगा क्या, जरूरी नहीं है. ठीक है, यहां से एक इंपॉर्टेंट नोट बनता है कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट. इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल, नीड नॉट बी इक्वल. चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे मूव करता हूं. सर तो इनफाइनाइट सेट तो इक्विवेलेंट नहीं हो सकते? नहीं हो सकते. इनफाइनाइट सेट में अगर आपके पास दोनों का दोनों काउंट, मतलब एक पहला भी नेचुरल नंबर है दूसरा भी नेचुरल नंबर है तो दोनों सेट सेम ही हो गया ना, तो इक्वल हो गया. आप बोलते हो ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आप बोलते हो बी इज अ सेट ऑफ होल नंबर, अभी दोनों इनफिनिट है बराबर, बट होल नंबर में एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाता है तो काउंट कहां पे सेम आएगा? समझा? कोई भी ऐसा नंबर सिस्टम है, कोई भी ऐसा दो सेट होता है जहां पे सेम एलिमेंट है क्या? सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है तो इक्वल सेट्स नहीं हो सकता. अगर आपने इक्वल सेट्स बोलना है तो आपको दोनों के दोनों नंबर सिस्टम सेम लेने पड़ेंगे. पहला नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा. बोलो. इक्विवेलेंट सर. इक्विवेलेंट भी नहीं हो सकता ना, वही तो मैंने आपको बताया ना अभी. मैंने आपको जो जीरो का एग्जांपल दिया वो इक्विवेलेंट के लिए बताया ना. ओके सर. जो सेट इक्वल नहीं है वो इक्विवेलेंट भी नहीं हो सकता, याद रखना ये. ठीक है? ओके सर, गॉट इट. समझा ना, इक्विवेलेंट सेट्स में काउंट सेम होना चाहिए. नंबर सिस्टम में काउंट कहां पे सेम है? कहीं पे जीरो ज्यादा है, कहीं पे डेसिमल्स है, कहीं पे फ्रैक्शंस है, कहीं पे रियल नंबर आ गया, तो सबका अलग अलग कैटेगरी है ना, तो नहीं होगा. आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर जिसमें देखो इन्फिनिट से तो पहली बार काउंट ही नहीं कर सकते तो वो तो इक्विवेलेंट में आता ही नहीं है. जिस चीज को गिन ही नहीं पाओगे उसको कैसे बोलोगे कि ये देखो आपको ना मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशन में लिखाया था इक्विवेलेंट सेट्स, आपने नीचे पढ़ा नहीं. टू फाइनाइट सेट्स मैंने बोल दिया पहले, समझा? डेफिनेशन देखोगे तो मैंने आप पहले लिख दिया टू फाइनाइट सेट, तो जिसको गिन सकते हैं उसी को हम लोग इक्वल और इक्विवेलेंट में काउंट करेंगे, जिसको नहीं गिन सकते उसको इक्वल और इक्विवेलेंट में आता ही नहीं वो. इसलिए मैंने पहले बोल दिया टू फाइनाइट सेट, क्योंकि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी मतलब उसको गिनना है तो फाइनाइट सेट ही इक्विवेलेंट सेट्स हो सकता है. अंडरस्टूड ना? करेंगे ना हम लोग, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अपने टेक्स्ट बुक में, वो करेंगे. नाउ इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसका,
इसका इंपॉर्टेंट नोट है, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल. इक्विवेलेंट सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ये जो मैंने आपको अच्छे से बताया, क्लियर है इतना? समझा? इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल. बोलो, समझ में आया पक्का? क्लियर है? यस सर. यस सर. अब आता है हमारा अगला डेफिनेशन, यूनिवर्सल सेट. एक ऐसा सेट जिसके अंदर सब स्मॉल सेट्स आ जाए, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. देखो मैं आपको ना एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ नंबर सिस्टम का, जितना शॉर्ट में समझ में आया. देखो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया गया किसी ने? प्लीज बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ? यस. कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आप लोग का? चालू है. तो आपको पता रहेगा ना सबसे बड़ा नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. यस सर. बस बस यही सिखाना था. सुनो, तो सबसे छोटा नंबर सिस्टम में क्या आता है जो मैं बता रहा हूँ ना, प्लीज समझना, नहीं समझना प्लीज पूछना. सबसे छोटा आता है नेचुरल नंबर. फिर नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है? होल नंबर. फिर होल नंबर के बाद क्या आता है? रैशनल नंबर. फिर रैशनल नंबर के बाद क्या आता है? इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर कुछ हम लोग दिखाएंगे नहीं. चलो इरेशनल किसमें दिखाएंगे नहीं, क्योंकि इरेशनल नंबर का एक अलग कैटेगरी हो गया. तो रैशनल और इरेशनल को दोनों सेम रख लेते हैं, क्योंकि दोनों का अलग अलग काउंट है. फिर उसके बाद क्या आता है? रियल नंबर. ठीक है. फिर रियल नंबर के बाद सबसे बड़ा सेट होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से. कॉम्प्लेक्स जेड उसका सिंगल नोटेशन है. जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये सिंगल नोटेशन है, सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है. अगर हम लोग सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल सी. जैसे रियल नंबर का सेट इंक्लूड हो गया. हां प्लीज वापस बोलो. इंटीजर्स का इंक्लूड हो गया. इंटीजर्स नहीं लिया मैंने. चलो ठीक है, इंटीजर्स. हां बोल गया मैं इंटीजर्स. होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर इसमें ले लेता हूं. ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स और रैशनल नंबर सेम ही होते लगभग ना. फर्क इतना है कि ऑल इंटीजर्स आर ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर. ठीक है, इरेशनल रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया. अब मेरे को यहाँ पे जो समझाना है उस पर आता हूँ. ये नंबर सिस्टम का शॉर्टकट बता दिया मैंने, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल, एंड देन सबसे बड़ा सेट होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोगों ने आज से पहले कभी 11 से पहले कभी सुना नहीं था ना देखा था. ठीक है. नाउ इन सबका सुपीरियर कौन है? एक्चुअली मैं वर्ड अलग यूज कर रहा था मैं. इन सबका सुपीरियर कौन है, सबसे बड़ा सेट कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, क्योंकि जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा तो उसके अंदर सब आ जाएंगे. अब मैं मान लो कि मैंने ये ऑर्बिट हटा दिया, ये शेल अगर मैंने हटा दिया, अब सबसे सुपीरियर कौन है? रियल नंबर. तो रियल नंबर भी रियल नंबर यूनिवर्सल सेट. अब मैंने रियल हटा दिया तो सबसे, अब देखो इरेशनल को तो काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि अलग होता है वो, इरेशनल यूनिट में आ जाता है, उसे काउंट मत करो. अब इन सबका सुपीरियर कौन है? रैशनल नंबर. रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज अ यूनिवर्सल सेट. अब इन सबका सुपीरियर कौन है? इंटीजर्स. होल नंबर, फिर उसके बाद होल नंबर, फिर अकेला नेचुरल नंबर. समझा? तो यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, जिसके अंदर सब एलिमेंट्स एम्बेडेड हो जाते हैं ना, जिसके अंदर सब एलिमेंट खुद से आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ए इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए ऑफ 9th स्टैंडर्ड, बी इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास बी ऑफ 9th स्टैंडर्ड, C is a set of students of class C of 9th standard,
और फिर मैं डी ले लेता हूँ, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास, बोलो यूनिवर्सल कौन है? बी. यूनिवर्सल कौन है? मैं वो सबका आंसर चाहिए फटाफट. ए जो लिया है मैंने वो क्लास ए ऑफ नाइन्थ स्टैंडर्ड लिया है, बी जो लिया है क्लास बी ऑफ नाइन्थ स्टैंडर्ड लिया है, और सी जो लिया है वो क्लास सी ऑफ नाइन्थ स्टैंडर्ड लिया है, और डी लिया मैंने सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास. तो सबसे बड़ा कौन सेट है? डी. तो डी क्या बन जाएगा मेरा? यूनिवर्सल. क्लियर है? यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट सबका सुपीरियर होता है. ठीक है, देखो टॉपिक का नाम देखो यूनिवर्सल सेट. टॉपिक का नाम है यूनिवर्सल सेट. ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कैसे करें हम लोग? अ सेट विच कंटेन्स all the smaller sets. इसको डिफाइन करना है. अपने लैंग्वेज में बताता हूं. इफ ऑल स्मॉल सेट्स get introduced in a large set. If all small set get introduced in a large set, then such a set is called universal set. ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, ऐसा नहीं समझेगा. एक सेट ले लिया मैंने विद एलिमेंट 1, 2. बी एक सेट ले लिया मैंने विद एलिमेंट 3, 4. और सी एक सेट ले लिया मैंने विद एलिमेंट 5. और फिर मैंने एक सेट डी ले लिया विथ एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, यहाँ पे डी क्या कहलाएगा? डी इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. देख लो अच्छे से, डी के अंदर सब एलिमेंट आ जाते हैं, सो डी को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं. Because D can, if all small sets get introduced in a large set, A भी आता है, B भी आता है, C भी आता है D के अंदर, such a set is called as universal set. इसको Venn diagram में हम लोग दिखाएंगे बाद में, but फिलहाल आप इतना समझ के लो. बोलो clear है ये everyone? Yes sir. समझा universal set? पक्का? Now अगला definition आता हमारा Venn diagram का. अभी आगे हम लोग एक definition पढ़ना है subsets and supersets ये सब का. तो पहले तो डिफाइन करते हैं सबसेट एंड सुपरसेट. तो मैं आपको समझा देता हूं सबसेट क्या होता है. उस पर आकर इधर मैंने तो जगह छोड़ा है क्योंकि सबसेट का डेफिनेशन पढ़ाने के बाद ये पढ़ाऊंगा. ये सबसेट क्या होता है? अगर सेट ए के सब एलिमेंट्स सेट बी के अंदर लाई करते हैं तो ए जो होगा वो बी का छोटा सेट होगा. देखो सब मतलब छोटा, सब सेट किसी सेट का. देखो सब सेट मतलब स्मॉल सेट, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. तो अगर कोई सेट का एलिमेंट, अभी देखो ना ए जो है वो डी का छोटा सेट है क्योंकि ए के पास 1, 2 और डी के पास 1, 2, 3, 4, 5. तो ए इज अ स्मॉलर सेट ऑफ डी, बी इज अ
smaller set of D. C is a smaller set of D because if all the elements of set A comes in another set, then that set is a small set of the bigger set. Samjha? Agar A ka sab element D ke andar aata hai, to A is a subset of D. Agar B ka sab element D ke andar aata hai, to B is a subset of D. और अगर C का सब एलिमेंट D के अंदर आता है तो C is a subset of D. इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? If we want to get a definition, say a set A is said to be subset of set B. सेट ए को सेट बी का सबसेट बोल सकते हैं. इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी अब ए का एलिमेंट अगर सब बी के अंदर लाई करता है तो उसे क्या बोलते हैं? सबसेट. ठीक है, एग्जांपल देखो. पहले मान लो कि यहाँ पे एक एलिमेंट है ए, एक सेट है ए, उसके पास एलिमेंट है 1 2 और दूसरा बी है, उसके पास एलिमेंट है 1 2 3. तो आप देख रहे हो कि ए के सब एलिमेंट बी के अंदर लाई करते हैं. ए के पास 1 2 है और बी के पास है 1 2 3. तो हम लोग क्या बोलेंगे? देयरफॉर ए जो है वो क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी. सबसेट को ऐसा लिख लोगे, सबसेट का साइन ए इज अ सबसेट ऑफ बी. तो सेट ए का अगर सब एलिमेंट सेट बी के अंदर लाई करता है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी. देख लो, अच्छे समझ में आएगा. सेट ए का एलिमेंट अगर सेट बी के अंदर लाई करता है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी. बोलो, सबसेट समझ में आया? सबसेट का मतलब स्मॉल सेट. तो ए जो है वो बी का स्मॉल सेट है. और कोई स्मॉल सेट बना सकते हो बी का? बताओ कुछ से, थोड़ा सी और डी बना के दिखाओ. मेरे को बी का स्मॉलर सेट चाहिए. सी बनाओ. बनाओ, क्या बनेगा? 1 2 3 4. नहीं, स्मॉल सेट बोला मैंने, सबसेट बोला. 2 3 2 3 और 1 3 1 2 4 5. देखो, सबसे पहले सब फाइव कैसे आ जाएगा? स्मॉलर सेट चाहिए ना, उसका टुकड़ा चाहिए. टुकड़ा उसका स्मॉलर सेट चाहिए. फाइव फोर कैसे होगा? आपके पास है ही 3 एलिमेंट, 1 2 3. मैं मेरा आंसर चाहता हूँ. मेरे को एक ने बताया 1 2 तो मैंने लिखा है, फिर 2 3 बोल दिया किसी ने, 1 3 भी बोल दिया किसी ने, और नल सेट. सुपर, ये चाहिए था मेरे को, नल सेट. ठीक है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. ये हम लोग ने 9th में पढ़ा था. ठीक है, और बताओ, और कुछ बता सकता है कोई? और 3 पॉसिबिलिटी बनेंगे, और 1 2 और 3. 1 अलग से बन जाएगा, फिर 2 अलग से बन जाएगा, फिर 3 अलग से बन जाएगा. ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, सुनो वापस. एम्प्टी सेट 1 कर्ली ब्रैकेट में, फिर 2, फिर 3 सिंगल सिंगल, फिर वापस 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3. इसको हम बोलते हैं पावर सेट. आगे पढ़ेंगे इसको. ठीक है, तो आप फिलहाल इतना समझ के लो, पावर सेट. आगे पढ़ लेंगे इसको. स्मॉलर सेट्स के सेट्स को लो पावर सेट बोलते हैं. आगे पढ़ लेंगे उसको, जाने दो. बट फिलहाल आपको सबसेट का डेफिनेशन समझा. अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी. तो यहाँ पे मैं कुछ रिलेशन बना सकता हूँ क्या? यहाँ पे कुछ रिलेशन बना सकता हूँ. क्वेश्चन है मेरा, क्या ए बी का सबसेट है? बोलो, आया ना? No. बराबर. No. तो क्या ए डी का सबसेट है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या बी सी का सबसेट है? No. No. क्या बी डी का सबसेट है? Yes. Yes, sir. क्या सी डी का सबसेट है? Yes. Yes. Yes, sir. बस ये चाहिए था मुझे. बोलो, समझा सबसेट का डेफिनेशन एवरीवन? Yes, sir. जितनी भी स्मॉलर सेट से सब डी के अंदर आ रहे हैं, इसलिए डी क्या बन गया हमारा? डी इज अ बिगर सेट. अंडरस्टूड एवरीवन? सबसेट का डेफिनेशन समझा? क्योंकि सबसेट के डेफिनेशन को हम लोग और डिटेल में लेके जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में. आज के लेक्चर को सबको समझ में आया जितना पढ़ाया वो पक्का? तो एक छोटा सा रिवीजन लेंगे.
समझते हैं।